आज इस वीडियो में जो आप जितने भी पार्ट देख रहे हो, ये इन्वर्टर फ्रिज के पार्ट हैं। इन सारे पार्टों की टेस्टिंग सीखेंगे क्योंकि आज इसे कंप्लीट करवाना है, इन सारे पार्टों की टेस्टिंग। तो एक ही वीडियो में तसल्ली से समझा रहा हूँ, थोड़ा लॉन्ग बनेगा पर कोई दिक्कत नहीं, जिसे सीखना वो सीख सकता है। ठीक है दोस्तों, तो छोटे छोटे पार्टों से स्टार्ट करेंगे हम। पहले जैसे कि ये ओवरलोड लगा रहता है इन्वर्टर फ्रिज में, तो इसे कैसे चेक करना है? पहले तो आपको बजर वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट कर लेना अपने मीटर को, जिसमें से बीप की साउंड आती है। इन दोनों टर्मिनल पर रखना आपको और चेक करना है। अगर बीप की साउंड आती है तो ये ओके है, जैसे इसमें बीप की साउंड आ रही है तो ये ओवरलोड ओके है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आपको डोर स्विच चेक करना है, डोर स्विच के अंदर भी बीप की साउंड आनी चाहिए। बीप की साउंड नहीं आ रही है तो ये इस कंडीशन में खराब मानी जाएगी, क्योंकि ये सप्लाई आगे आउट करेगी नहीं, तो ये डोर स्विच खराब है। और नॉन इन्वर्टर में रिले लगी रहती है तो इसे भी इसी में कवर कर लेते हैं, तो रिले को भी कंटिन्यूटी मोड पे ही चेक करना है, दोनों टर्मिनल पे लगाना है। और बीप की साउंड अगर आती है तो रिले भी ठीक है, जिस तरीके से अभी आवाज आ रही है। और इस बल्ब को चेक करने का इजी तरीका है दोस्तों, कुछ नहीं करना आपको, बस ये बोर्ड में लगा के चेक कर लेना 220 वोल्टेज देकर। अगर जलता है तो ये ठीक है वरना खराब है। फिजिकल भी चेक कर सकते हो, अगर ये इसमें जो लाइनें दिख रही हैं ये जल जाती है तो ये खराब माना जाएगा। थर्मोस्टेट की बात रही तो थर्मोस्टेट 50% हमारा कंटिन्यूटी पे चेक हो जाएगा, जैसे एक एक टर्मिनल पे लगाना है, लगा दिया और बीप की साउंड आने लगी तो ये 50% ओके है। 100% के लिए क्या चाहिए आपको, इसे माइनस में भेजना होगा, तो माइनस में भेजेंगे हम। अब इसकी कैन लेनी है और इसकी पूछ पे डालनी है और इसे ठंडा करना है। की आवाज देखो, ये कट मार चुका है, आवाज चली गई है। अब इसकी पूछ को हम गर्म करेंगे, वैसे ही ये ऑन हो जाएगा, तो इस कंडीशन में ये 100% ओके निकलेगा। पूछ गर्म होती आवाज आ जाएगी, आ चुकी आवाज, तो इस कंडीशन में ये ओके है। ये जो वीडियो आली टेढ़ी कर रहा है ना, अगर सीधी रिकॉर्ड ना हुई ना घुसा दूंगा पेट में। तो दोस्तों सारे पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ये वाले जो छोटे मोटे लगे रहते हैं अक्सर फ्रिज में। अब मेन मुद्दा आता है हमारे पीसीबी पे और कंप्रेसर पे। कई बार एरर आते हैं इसमें, एरर कोड से हम अंदाजा लगा लेते हैं कि हाँ पीसीबी में प्रॉब्लम है कंप्रेसर में, फिर भी छोटी नहीं होती 100% कि पीसीबी खराब है या कंप्रेसर खराब है। उसके लिए आपको एक डिवाइस बना लेना है ऐसा, जिससे आपको 100% पता चल जाएगा। पीसीबी को साइड में रख देंगे क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं है, हम डायरेक्ट कंप्रेसर चला के देख लेंगे। अगर कंप्रेसर चल गया तो उस कंडीशन में हमारा पीसीबी ही खराब माना जाएगा। अगर कंप्रेसर नहीं चलता है तो कंप्रेसर के अंदर प्रॉब्लम है। तो आपको ऐसा ही एक डिवाइस बना लेना है और बहुत इजी है। आपको तो मैं इसकी वायरिंग डायग्राम दे दूं या इसके ऊपर भी फुल वीडियो बना दूं। तो इसे चलाने के लिए हमने इसे यहां से UVW दे दिया है और डायरेक्ट बोर्ड में ला के हम इसे चला लेंगे। कंप्रेसर ऑन हो चुका है दोस्तों, आवाज भी कर रहा है। इसी तरीके से आप डायरेक्ट कंप्रेसर को भी चेक कर सकते हो। और कंप्रेसर को 100% चेक करने के लिए कि इसकी पंपिंग वगैरह ओके है, इसकी पंपिंग अराउंड 430 आई होती है, जो कि पीसीबी कट करवा देती है 400 से जाते ही। डायरेक्ट चलाने से पहले आपको देख लेना है कि इसके टर्मिनल वगैरह शॉर्ट तो नहीं है, बॉडी वॉडी शॉर्ट तो नहीं है, तो आपको दोनों टर्मिनल पे लगाना है और वैल्यू चेक करनी है। 13 पॉइंट वैल्यू आ रही है इसकी, 0.13 वैल्यू आ रही है, तो तीनों टर्मिनल पे 0.13 ही वैल्यू आनी चाहिए। जैसे इन दोनों पे भी 13 पॉइंट वैल्यू आ चुकी है, अब इन दोनों की बारी है, इन दोनों पे भी 13 पॉइंट की वैल्यू आ चुकी है। और बॉडी शॉर्ट चेक कर लेना है तीनों टर्मिनल से, अगर बॉडी शॉर्ट होगी तो खराब है, बॉडी शॉर्ट नहीं है तो ओके है। अगर तीनों टर्मिनल पे वैल्यू दिखा रही है तो ये ओके है। और 100% श्योर करना है तो आपको डायरेक्ट चलाना है, जैसे कि मैंने आपको चला के दिखा दिया था इस डिवाइस से। इसी तरीके से आप इजिली चेक कर सकते हो इन्वर्टर मॉडल के सारे पार्टों की टेस्टिंग, इसी तरीके से आप कर सकते हो। तो भाई साहब आप सीख गए ना, तो अब आ गई ना टेस्टिंग।